हेलो दोस्तों, ये एक 326 रोटरी हैमर मशीन है। इसमें ये बिट टूट कर फंस चुका है। ये देखिए, इसका टूटा हुआ हिस्सा दिखा रहे हैं बिट कम। ये बिट का टूटा हुआ हिस्सा है। इसमें ये देखिए, ये अंदर जो है ये टूटा हुआ हिस्सा है। ये इसका पुराना वाला बिट है जिससे कस्टमर काम कर रहा था। जैसा कस्टमर का कहना है कि वो काम कर रहा था, टूट कर इसमें बिट फंस गया है। ये देखिए, पीछे से चपटा भी हो चुका है। ये नया और पुराना बिट दोनों ही हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पीछे से किस तरह से होता है। ये बिट देखो, इस तरह से लंबा सा होता है। सबसे पहले हम मशीन को खोलेंगे तो उसके लिए हमें रबड़ निकालना होगा इसका आगे वाला। उसके बाद इसका लॉक निकालना होगा। हम ये उसका लॉक निकाल लेते हैं। उसके बाद इसका लोहे वाला ये लॉक काफ़ी टाइट निकलता है। देखिए, अब बहुत टाइट निकलता है ये। और इसका टाइट निकलना और टाइट लगना लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये इसका लॉक निकाल दिया। उसके बाद इसका लोहे का जो वाशर है वो वाशर निकालेंगे हम। अच्छा, ये बड़ा वाला कवर है ना इसका, ये बहुत टाइट है और फंस चुका है इसमें। इसकी वजह क्या है, जो टूटा हुआ बिट है पीछे का हिस्सा बिट का, वो इसके जो छर्रे लगे होते हैं उन छर्रों को आगे पीछे होने की जगह नहीं दे रहा। तो इस मशीन को हमें खोलना ही पड़ेगा आगे वाला हिस्सा। तो उसके लिए हमें नोब निकालनी होगी। नोब के तीनों स्क्रू खोल के हमने नोब को एक साइड रख दी। उसके बाद हम जो है इस अपनी एलंकी लेंगे, जो हमारे जुगाड़ वाली एलंकी आ चुकी है हमारी। अब इससे हम इसके जो चारों बोल्ट है वो खोलेंगे। अच्छा, ये इसका जो बड़ा वाला कवर है ना, ये खुलने को तैयार नहीं है, निकलने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए हमें ग्लेंडर से इस कवर को काटना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारी इस मशीन का कवर काट रहे हैं तो आपको भी आपकी मशीन का कवर काटना ही होगा या निकले नहीं। अगर नहीं निकलता नहीं वो आपका कवर बड़ा वाला कवर मशीन का, तो ही आपको ग्लेंडर से काटना होगा। अगर आपका बड़ा वाला कवर निकल रहा है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। किसी में बिल्कुल बाई चांस ये कवर फंसता है छर्रों की वजह से, जो टूटा हुआ बिट होता है वो पीछे की तरफ होता है। ये देखिए, हम इसको काट रहे हैं। बाकी सब में ज़रूरी नहीं होता है इसको काटना। ये हमने ग्लेंडर चालू कर लिया है। उसका ऊपर वाला जो कवर है, कवर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, पहले जो प्लास्टिक और रबड़ का मिलकर बना होता है उसको काट लेते हैं। इसको काट कर इसके दो टुकड़े करेंगे हम, और पेचकस से इसको चौड़ा करके इसके दो टुकड़े कर लेंगे हम। पेचकस लेंगे, देखिए, अब ये पेचकस को लगाया बीच में और इसको ताकत लगा के चौड़ा कर दिए। ये टूट कर ये हट गए एक साइड। अब उसके बीच का जो नीचे वाला हिस्सा है लोहे का, उसे भी हमें काटना होगा। उसी के जस्ट नीचे छर्रे लगे हैं, छर्रे निकलेंगे तब जाकर ही वो जो स्प्रिंग है वो हटेगा और ये कवर, ये देखिए, इसका बड़ा वाला कवर काट के हमने एक तरफ रख दिया। इस लोहे वाले कवर को काट रहे हैं। इसे काटते हुए बहुत ही आपको केयरफुल्ली तरीके से काम करना है। आपको ज़रा सी जल्दबाजी नहीं करना, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको ध्यान से ही काम करना है। ये देखिए, हम इसको दोनों तरफ से काट रहे हैं। पहले उस साइड से काटा है, इस साइड से काट रहे हैं। इसके ऊपर वाला जो एक तरफ का हिस्सा है उसको हम पूरी तरह से काटेंगे, और हमारे मशीन को किसी तरह का इस काटने से या ग्लेंडर से कोई नुकसान नहीं होगा। हम इसी तरह से इसको काटेंगे। ये देख लिया हमने, इसको काट लिया है। अब थोड़ा बहुत इसमें जो बाकी है उससे अब पेचकस से इसको देखिए, हम दोनों दिख रहे हैं।
ये हमारा लकड़ी का फंटा तो वहाँ निकला नहीं, ये नीचे पट्टी पे हमने जो पत्थर की पट्टी उस पर ठोका।
घुमाए तरफ तो इसके छर्रे बाहर आ जाएं। सॉरी थोड़ा बोलने में दिक्कत हुई मुझे, क्योंकि मैंने खाना खाया अभी तो डकार वगैरह ऐसी आ रही है। तो हम इसको छर्रे को लगाने के बाद इसका जो रबड़ वाला कवर है उसको लगा देंगे, फिर इसकी एक ऊपर वाली सील है उस सील को लगा देंगे, फिर इसके बाद जो है हम ये हमारे पास जो पड़ा है इसका बेरिंग, ये देखिए ये बेरिंग है, हम आपको एक बार और दिखाए दें, ये देखिए बिल्कुल बेरिंग है इसका, ये बेरिंग लगेगा। बेरिंग के लगते ही छर्रे और अंदर अपने आप ही अंदर दब जाएंगे, इसको हम ठोकेंगे ताकि ये सही जगह पर फिटिंग हो जाए। ये हमने इसको चापान से ठोकना स्टार्ट किया, इसको अंदर हम अच्छे से फिटिंग करेंगे, ये बिल्कुल ढीला नहीं रहे, क्योंकि अगर ढीला रहेगा तो मशीन अच्छे से फिट नहीं हो पाएगी, मशीन जाम हो जाएगी या मशीन फिर टाइट घूमेगी। ये मशीन बिल्कुल फ्री घूम रहा है, ये लोग अच्छा ये लोग ना निकलने में ही नाटक करता है, निकलने में ही बहुत टाइट निकलता है, लेकिन जब हम इसे खोलते हैं तो ये बड़ी जब लगाते हैं तो बड़ी ही आसानी से लग जाता है। ये हमने बड़ा पाइप लिया, इससे ऊपर से मारा ताकि लोग की जो फिटिंग है वो बड़ी ही आसानी से अपनी जगह पर बैठ जाए लोग जाकर। ये लोग इसका बैठ गया है। यार अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ना लाइक करें, और आपको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है तो प्लीज़ यार कमेंट करें। ये देखिए ये तो पूरा इसमें फिट हो चुका है, अब इसकी थोड़ा सफाई वफाई करके हम इसको सफाई कर दी इसकी स्ट्राइकर की, उस पर ग्रीस लगा दिया ताकि जो स्ट्राइकर जो अच्छे से स्मूथ तरीके से काम कर सके। आगे ये स्ट्राइकर आगे पीछे होता है, प्रेशर बनता है इसमें, इसमें देखो प्रेशर बनता है, प्रेशर इसी वजह से बनता है जब इसकी रिंग वगैरह या इसमें ऑयल ग्रीस की किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। ये इसमें हम थोड़ा बहुत ग्रीस लगा देंगे, ज़्यादा ग्रीस हम तो नहीं लगाएँ क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रीस इसमें से पहले ही। ये देखो इस तरह से इसको फिट करते हैं, जो इसका छोटा पिस्टन है उसमें इसको जो टूल होल्डर है उसको डालते हैं। ये देखिए हमने इसको टूल होल्डर हमने इसमें डाल दिए, उसके बाद हम इसके ऊपर वाला सबसे बड़ा जो कवर है रिंग लगाने के बाद सबसे बड़ा इसका जो कवर है वो कवर लगाएंगे। ठीक है कवर भी ये रिंग लगा रहे हैं पहले हम इसकी, और फिर इसका उसके रिंग लगाने के बाद हम इसका कवर लगाएंगे। अच्छा कवर का भी आप याद रखें कि किस तरफ से खोला है, ऐसा नहीं हो कि आप उल्टा फिट कर दें या गलत दिशा में फिट कर दें, मालूम चले बाद में बोल्ट नहीं लग रहे। ये देखिए पहले बोल्ट और निकालना भी काफ़ी आसान है मुकाबले
220 और 226 के, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइट लगती निकलती नोप। ये हमने बिट को निकाल दिया। सबसे ऊपर वाला जो इसका डस्टिंग कवर है, जो जिससे मशीन में ठीक ठाक दिखती है ऊपर से, वो कवर लगा देते हैं हम। उसके बाद फिर हम इसका बिट लगाएंगे और फिर इसका प्रेशर दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये मशीन काम कर रही है। ये रोटरी है, अब हैमर है, ये दोनों ही इसका सिस्टम जो है काम कर रहा है। अब हम आपको इसे कंप्रेसर चेक कराएंगे इसका किस तरह से काम कर रही है, ये ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही। देखिए अब इसको आप हमने स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, इसका चेक कीजिए कंप्रेसर, इसका पावर बहुत अच्छा पावर है, बहुत शानदार और हैवी मशीन है ये। जो भी बंदे काम करते हैं स्टील एल्यूमिनियम का या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पत्थर का या लेंटर में सुराख करने का काम आती है, वहाँ पे ये मशीन काम में लें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए मशीनरी, मिक्सी, कूलर, पंखा, प्रेस, पानी की मोटर और जो भी अपने आइटम होते हैं उन चीज़ के लिए हमसे संपर्क करें। थैंक यू।